हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 के सेकंड चैप्टर होल नंबर्स के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग will not represent 0, a 1 plus 0, b 0 into 0, c 0 by 2, d 10 minus 10 by 2। तो इसे पूछ रहा है कि इनमें से किसका रिजल्ट जीरो नहीं आएगा। तो हम राइट साइड से पहले डी को देखते हैं, पहले हम ए को देखेंगे। तो ए में 1 में 0 को प्लस किया जा रहा है, तो किसी भी नंबर में 0 को प्लस करेंगे तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब वो नंबर वही सेम रह जाएगा। तो 1 प्लस 0 हमारा 1 हुआ, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया या फिर 0 से या फिर अदर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमेशा रिजल्ट 0 आएगा। तो इसका रिजल्ट हमारा 0 आया। 0 को डिनोमिनेटर में 0 है, उसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आया तो पर भी हमारा रिजल्ट 0 आएगा। तीसरा सी का भी हमारा 0 हो गया। 10 माइनस 10 = 0 by 2, डिनोमिनेटर में फिर से हमारा 0 हो गया, तो इसका भी रिजल्ट हमारा 0 आया। तो इनमें से कौन हमारा 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? तो ए हमारा 0 का, ए का रिजल्ट हमारा 0 नहीं होगा, ए का रिजल्ट हमारा 1 होगा। नंबर 2 है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0 कैन बी से 1 और both of them will be 0 ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि कभी किसी नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उसका उन दोनों होल नंबर में से कोई भी एक होल नंबर 0 होगा। तो होल नंबर 0 रिजल्ट किस चीज में आएगा, या फिर हमारा एक हमारा 0 है और दूसरा हमारा कोई नंबर आया जैसे 8 है तो हमारा 0 रिजल्ट आ सकता है, या फिर 0 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 0 आ सकता है। मतलब कोई भी होल नंबर का प्रोडक्ट हमारा तभी 0 आएगा जब उनमें से एक या फिर दोनों 0 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है। तो क्वेश्चन है, कैन वी से 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, कैन बी से 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। तो इसका क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि किसी भी होल नंबर का प्रोडक्ट अगर हो 1 है तो इसका क्या आंसर, मतलब क्या वो उस उन दोनों में एक होल नंबर हो तब होगा या फिर दोनों होल नंबर हो तब होगा। तो इसका आंसर है किसी भी होल नंबर को, या फिर मान लीजिए 8 को, अगर हम होल नंबर है 8 होल नंबर है 1 होल नंबर है तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये नंबर आ जाएगा
वन के अलावा जो नंबर आता है वही नंबर हमारा आ जाएगा, तो एट आ जाएगा। वन को अगर 2 से 7 मल्टीप्लाई किए तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब होल नंबर को अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर एक ही होल नंबर में 1 को एक ही बार यूज किया जा रहा है तो होल नंबर कभी भी 1 नहीं आएगा, मतलब जो नंबर 1 के अलावा रहेगा वही नंबर आ जाएगा। तो होल नंबर में के रिजल्ट में अगर हमें मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में अगर 1 लाना हो तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 1 आएगा। इसलिए हमारा बोथ वाला आंसर सही है, होल नंबर का रिजल्ट तभी 1 आ सकता है जब दोनों का इनमें से दोनों मल्टीप्लिकेशन हमारा 1 हो। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी के द्वारा हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो पहला ये है हमारा 721 into 101, तो हम इसे लिख सकते हैं 728 into 100 + 728 into 1, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा 72800 / 728 प्लस करेंगे दोनों तो हमारा नंबर आएगा 8271 8187 15 2137। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 73528। एक हमारा आंसर है 73528। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, फाइव फोर थ्री सेवन इंटू वन जीरो जीरो वन, 5437 को 1001 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 5437 into 1000 + 5437 into 1, तो टोटल हमारा हो जाएगा 5437 0000 + 5437, तो हमारा रिजल्ट होगा 7347 + 5 7 + 5 = 12 314 4 5, तो टोटल नंबर हमारा हो जाएगा 54,42,437। टोटल रिजल्ट हमारा आ जाएगा 54,42,437। और सी काम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, एट टू फोर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 824 into 100 / 4, 25 को 100 / 4 लिख सकते हैं, तो इससे हम लिखेंगे 4 से अगर 824 को 4 से काटेंगे तो 2 times 8 आया कटेगा, फिर से यहाँ पे 2 को उतारेंगे तो नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 डालेंगे बाकी 4 डालेंगे, फिर से 4 क्यों डालेंगे 4 6 = 24, तो यहाँ पर नंबर हमारा हो गया 206 into 100, टोटल रिजल्ट हमारा होगा 206 100, मतलब 20,600 हमारा रिजल्ट आया 20,600। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, क्वेश्चन नंबर डी में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 504
4275 × 125। तो इसे हम लिख सकते हैं 4275 × 100 + 4275 × 20 + 4275 × 5। तो हम फिर से लिखेंगे इसे 4275 × 100 मतलब 4275 × 0 + 4275 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4275 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 14 और 15 2 × 2 = 4 15 × 2 = 8 8550 है और एक जीरो अगर हम और लगाएंगे यहाँ पे तो 85,500 प्लस 4275 को हम फिर से हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4275 × 0/2। तो टोटल हमारा कितना है 4 × 2 = 4 फिर से हमारा 2 आया नीचे 2 × 2 फिर से 7 आया 2 × 3 = 6 1 और बचा 5 2 × 7 = 14 1 × 10 = 2 5 तो टोटल हमारा नंबर आया 21375। तो इसका रिजल्ट हमारा आएगा 4,27,500 + 85,500 + 21,375। ये नंबर हमारा आ जाएगा 5, 7, 5 × 10 = 13, 7, 5 × 12 = 113 or 114, 8 × 10 = 12 = 113, 415। तो टोटल नंबर हमारा हो गया 5,34,375 हमारा टोटल रिजल्ट आ गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम ई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में क्या करना है 504 को हमें 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 500 + 4 × 70/2। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं हाँ 250 + ये 2 से अगर इसे अपॉन करेगा तो +2 × हमारा है 70। तो टोटल रिजल्ट हमारा आ गया 25 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 175। तो हमारा नंबर आ गया 175 और यहाँ का एक जीरो यहाँ का एक जीरो डबल जीरो प्लस 140। तो टोटल नंबर हमारा आ गया 175 × 0 = 140 = 4671। टोटल नंबर हमारा आ गया 17640। टोटल नंबर हमारा आ गया 17640 मतलब हाँ 17,614 हमारा टोटल रिजल्ट निकला। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
इसमें पैटर्न दिया गया है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है आपको, स्टडी दिस पैटर्न, दिस पैटर्न, ये पैटर्न क्या है? पहला 1 × 8 + 1 तुम्हारा आ गया 9, फिर से 1 के बाद 2 डालें, इनटू 8 प्लस यहाँ 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 फिर से 1 जोड़ेंगे, मतलब यहाँ इनटू 2 इक्वल टू 9 8, और 1 2 3 × 8 प्लस 3 इक्वल टू हो गया हमारा 9 8 7 प्लस 1 2 3 4 × 8 प्लस 4 इक्वल टू हो गया 9 8 7 6 फिर 1 2 3 4 5 × 8 प्लस 5 आ गया हमारा 9 8 7 6 5 तो इस पैटर्न में क्या किया क्या जा रहा है? इस पैटर्न में यहाँ पे इससे छोटे वाला नंबर जो है, इससे छोटे वाला नंबर आगे में लगा दिया जा रहा है। जैसे इससे छोटा नंबर 2 मतलब 1 से यहाँ पहले बड़ा नंबर लगाया जा रहा है, उसके बाद छोटा नंबर लगाया जाएगा, इससे बड़ा वाला नंबर लगाया जा रहा है यहाँ पे। जैसे 1 के आगे 2 लगा, फिर से 2 के आगे 3, 3 के आगे 4, 4 के आगे 5। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एक एक नंबर इंक्लूड कर दिया, यहाँ यहाँ तो 8 8 कॉमन है, यहाँ पे एक एक इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक यहाँ से एक लेस नंबर को लिखा गया आगे 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5। तो इसके आगे वाला पैटर्न होगा, हम आगे वाले पैटर्न के लिए यहाँ फिर से एक जोड़ के लिखेंगे, हमारा नंबर हो गया 1 2 3 4 5, 5 के बाद नया नंबर हमारा 6, इंटू 8 तो हमारा कॉमन है, और यहाँ पे प्लस 1 जोड़ना है, तो प्लस 6 इक्वल टू हमारा हो गया 9 8 7 6 5, 5 के बाद एक इससे एक छोटा नंबर लिखना है 4, फिर से हमारे सेकेंड नंबर है 1 2 3 4 5 6, फिर से एक नंबर एक्स्ट्रा लिखना है 7, इंटू 8 लिखेंगे तो यहाँ पे एक और जोड़ेंगे प्लस 7 इक्वल टू 9 8 7 6 5 4 3। एक और पैटर्न बना सकते हैं इसका, इसमें सिर्फ हमें पैटर्न को समझना था, इसका एक और पैटर्न हम बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 8 करें प्लस यहाँ पे 8 करें तो हमारा नंबर आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 2। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस किए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लेइंग विद नंबर्स को स्टार्ट करेंगे। तुम्हारे आगे आने वाली वीडियोज को देखने के लिए NCERT ज़ोन से जुड़े रहें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोज की जानकारी आपको मिल सके, और इसे अपने दोस्तों से शेयर कर लें ताकि उन्हें भी इनसे हेल्प मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।